तो अभी तक क्या हुआ कि हमने देखा लास्ट वीडियो में कि ये दोनों से हम क्या कर रहे हैं कि एक नया निकाल रहे थे निगेशन ऑफ आर, यहाँ पर निगेशन ऑफ आर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आर जो हमारा प्रिमसिस है, ठीक है, वो फोर्थ वाला है और उसके थ्रू हम निकाल सकते हैं कि ये जो है निगेशन ऑफ आर और निगेशन ऑफ आर करेंगे तो डबल निगेशन हो जाएगा और वो कैंसिल आउट हो जाएगा फ्रॉम द पी इक्वल टू निगेशन ऑफ पी एंड जो निगेशन ऑफ पी है यहाँ पर हम देख रहे थे पी से हमें क्या मिला था, निगेशन ऑफ आर मिला था, इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा कि पी से जो हमें मिल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे निगेशन ऑफ आर का निगेशन करेंगे। देन मोडस पोनेंस टोलेंस लॉ के थ्रू क्या करेंगे कि इसको जब हम करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा निगेशन ऑफ पी। तो यहाँ पर अब जो हमारे पास थर्ड प्रीमिसिस थे वो ये था कि पी का डिजंक्शन कर रहे थे हम एस के साथ। ओके नेक्स्ट है यहाँ पर, तो इस तरीके से हमने रिजल्टेंट देखा कि हमारे पास क्या आया जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे, मतलब ये हम यहाँ पे फॉर्मूला दिखा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हम जब रखेंगे पी डिजंक्शन एस की, तो यहाँ पर जब पी डिजंक्शन एस रखेंगे यहाँ पर ये जो है फॉर्मूले को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया गया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ऐसा आएगा। ओके तो इसका जो रिजल्ट आना था क्वेश्चन में दे, तो जो क्वेश्चन था उसमें ये कह रहे थे डिराइव एस फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिमसेस यूजिंग अ वैलिड। तो यहाँ पर क्या था कि हमने पहले फर्स्ट और सेकंड को यूज किया था और हमने फाइंड आउट किया था कि पी किसके बराबर था निगेशन ऑफ आर के, ठीक है, डिराइव कर रहा है, सॉरी। देन उसके बाद हमने आर टर्म यूज किया था जिससे हमने निगेशन ऑफ आर फाइंड आउट किया था। देन उसके बाद थर्ड में हमने पी डिजंक्शन एस की बात की थी जहाँ पर हमें क्या मिला था डिराइव एस मिला था। तो इस तरीके से ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। यहाँ पर क्या है कि हमें कंक्लूजन ये निकालना है, ठीक है। ये निकालने के लिए हमें करना क्या होगा कि प्रिमसेस वन और टू के थ्रू, ठीक है, टू का यूज करके, वन और टू दोनों का यूज करके हम जब हाइपोथेटिकल सिलोनिम्स यूज करेंगे तो ये जो फॉर्मूला होता है इस फॉर्मूले को वन एंड टू में अप्लाई करने के बाद हमें ये वाले इक्वेशन मिलेगी पी डिजंक्शन क्यू इम्प्लाइज कर रहा है एस को। देन उसके बाद प्रिमसेस थर्ड का जब हम यूज करेंगे इस वाले निगेशन ऑफ एस का तो हमें इस तरीके का मिले, सॉरी ये थर्ड वाला ही है। अब यहाँ पे थ्री एंड फोर यानी कि ये और ये का हम यूज़ करेंगे और मोडस टोलेंस लॉ लगाएंगे जब यहाँ पर, तो हम देखेंगे कि निगेशन ऑफ क्यू और पी इम्प्लीकेशन क्यू, दैट मीन्स जो सेम है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो हमारा बचेगा वो निगेशन पार्ट हो जाएगा। तो आप इन थर्ड और फोर्थ में देखिए तो हमारा एस जो एस निगेशन ऑफ एस है ये दोनों कैंसिल होने के बाद निगेशन ऑफ दिस वन बचेगा। तो इस तरीके से हमने फाइव जो है ये वाला अचीव कर लिया। देन नेक्स्ट है सिक्स, तो इसमें ही हमने क्या कर लिया डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया, तो कुछ इस तरीके से ओपन हुआ। अब सिक्स वाले को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, दैट मीन्स इसी को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे इस टाइप के रूल से सिंप्लीफिकेशन की टर्म में, तो हमें इस तरीके का मिलेगा पी
कंजंक्शन क्यू और जो रिजल्टेंट होगा इसका प्यू ही होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर है ठीक है पहले वाला टर्म ठीक है वो यहाँ पर मिल रहा है, तो रिजल्टेंट हमारा निगेशन ऑफ क्यू और निगेशन ऑफ क्यू सॉरी जो सेम है वो हमारा मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि निगेशन ऑफ क्यू और इसकी इन दोनों की जब हम बात करेंगे पी और निगेशन ऑफ क्यू और यहाँ पे भी निगेशन ऑफ क्यू, तो हमारे पास रिजल्टेंट जो आएगा वो निगेशन ऑफ क्यू आएगा। दैट मीन्स कि जो हमारी कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गया कि आर्गुमेंट वैलिड है, निगेशन ऑफ क्यू आ रहा है, तो इसका मतलब है कि रोजा क्या है एमबीए नहीं है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं ऊपर आना था कंक्लूजन में, सो रोजा हैज नॉट कंप्लीटेड एमबीए, तो यहाँ पर ये है कंक्लूजन निगेशन ऑफ क्यू आना चाहिए और यहाँ पर रोजा हैज नॉट कंप्लीटेड एमबीए ठीक है, निगेशन आएगा तो नॉट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा कि ये हमारा एक वैलिड स्टेटमेंट था। और यहाँ पर जो पहला सिलेबस का टॉपिक था वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, हो गया है। यहाँ पर हमारा जो पहली यूनिट थी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन में, इसके जो टॉपिक था मैथमेटिकल लॉजिक ठीक है वो यहाँ पर हमारा आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है सेट्स एंड रिलेशन, ये हम देखेंगे। तो एक यूनिट कंप्लीट हो गई, इसे आप रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, एटलीस्ट टू टाइम्स तो रिवाइज कर ही लीजिएगा। और अभी तक किसी भी वीडियो से रिलेटेड जो अभी तक हम लोगों ने मैथमेटिकल लॉजिक में पढ़ाई की है इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है या फिर कोई डाउट है या हो सकता है कि कहीं मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो इससे कुछ सीख सकते हैं ठीक है। और अगर किसी टाइप का कमेंट करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेल पे भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। मेल आईडी है shikhar.scs@gmail.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे सेट्स एंड रिलेशन से रिलेटेड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।